हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। तो गाइस अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं, नहीं सॉरी 5:30 हो गए ना। हाँ 3:30 बजे उठ गए थे और तैयारी करते करते हमें निकलते निकलते 4:30 हो गए, और मतलब आधा पौने घंटे से ट्रैक ही कर रहे हैं, क्योंकि होटल हमारा काफ़ी दूर था और वहाँ से यहाँ तक आने में कोई मतलब व्हीकल नहीं है। तो जो सीतापुरी से पहले रामनगर है वहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है, तो हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। अब बस अभी गौरीकुंड के लिए हमने जो शेयरिंग टैक्सी करनी है वहाँ भी मार धाड़ होगी। ये देखिए सामने सोनप्रयाग पहुँच गए हैं, ये पूरा सोनप्रयाग है। तो बने रहना हमारे साथ इस ब्लॉग में लास्ट तक, और आपको पूरा केदारनाथ का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। गए सामने है ये टैक्सी, यहाँ पे मिलेगी कैब जो सबको लेके जाएगी, और ये व्यू देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया रिवर चल रही है साथ में, और आज ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना ही उम्मीद लगा रखी थी हमने। क्लास हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है और बहुत ही बढ़िया, ये सामने देखिए अरे है, और वो प्लास्टिक की बोतलें, बहुत प्लास्टिक है यार, बहुत गंद फैलाते हैं हम लोग जब भी केदारनाथ आए, इस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन हम नहीं समझते। आगे काफ़ी भीड़ मिलने वाली है, और टाइम बता दूं 7:45, टाइम 7:45 हो गया है। तो गाइस ये है गौरीकुंड, सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे एक गर्म पानी का स्रोत है और लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और ये अलकनंदा रिवर है, आपने आगे देखा होगा जहाँ देवप्रयाग में ये देवप्रयाग में दो नदियों का मिलन होता है यहाँ पे। तो गाइस ये है गौरीकुंड की मार्केट, और हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है और अभी काफ़ी भीड़ है, और मंदिर में भी काफ़ी लंबी भीड़ मिलने वाली है। हर हर महादेव। तो गाइस ये देखिए ब्यूटीफुल वाटरफॉल मेरे सामने, ये देखिए बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, और ये सारे श्रद्धालु जा रहे हैं केदारनाथ, और अभी तक हम जंगल चट्टी नहीं पहुंचे हैं, चलते हैं भाई। का ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं अपना पानी की बोतल रास्ते में खरीदने की ज़रूरत नहीं, बहुत जगह ये इस तरह की धाराएं हैं, आप कहीं भी अपना बोतल साथ लाएं और पानी भर के अपना आराम से नेचुरल वाटर का सेवन करें, बहुत ही मस्त है। घोड़ों ने दुखी कर दिया। तो गाइस ये है रुद्रा फॉल, और बारिशों में तो बहुत ही विकराल रूप ले लेता है ये, और ये हमारा ट्रैक। एक ये सामने व्यू पॉइंट है, ये सामने देख रहे हैं वहाँ पर जाना है जो आपको आइस के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये केदारनाथ पहाड़ है सामने, वहाँ तक जाना है हमें। और अभी जंगल चट्टी 1 किलोमीटर के आसपास रह गया है, और ये यहाँ पे पूरा मतलब कि नींबू पानी खाने पीने का इंतजाम है, और चारों तरफ का व्यू देख लीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया। बस हम नींबू पानी पी के चलेंगे अभी। एट लास्ट हम जंगल चट्टी पहुँचे हैं अभी, और अभी पूरा ही ट्रैक बाकी है, अभी 13 किलोमीटर का ट्रैक अभी और करना है, 3-4 किलोमीटर में ही हालत ख़राब हो गई है, भीड़ बहुत है, और बार बार घोड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है चलने में बहुत ज़्यादा। 2-3 बंदे तो हमारे आगे गए हुए हैं, बाकी हम 4 लोग हमारे साथ, टोटल 6 लोग हैं। बहुत गर्मी लग रही है, मैंने तो कैप उतार दी है, और ये धारा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए वाटरफॉल कितनी ऊपर से वाटरफॉल आ रहा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे हाथ पैर मुँह धो पानी पियो,
तो भाई साहब ये ट्रैक्टर यहाँ पे चल रहे हैं, ये देखिए छोटा ट्रैक्टर, ये आई थिंक ट्रैक को रिपेयर किया गया था। ओहो घोड़े ही घोड़े, बहुत घोड़े हैं रास्ते में। तो गाइस अभी एक ब्रेक लिया है और अभी यहाँ से जो केदारनाथ है 8.5 किलोमीटर और रह गया है। जो हमारा बेस कैंप है वो आई थिंक 7 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर पहले है केदारनाथ मंदिर से। बहुत बुरा हाल है यहाँ, घोड़े घोड़े ऐसी तैसी करती है। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं फिर अब निकलेंगे आगे। तो गाइस 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा केदारनाथ का और 8 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है केदारनाथ 8 किलोमीटर। और ये सब ट्रैक चल रहा है, अभी तो काफ़ी ऊपर चढ़ाई करके आए हैं हम, बहुत हार्ड चढ़ाई करके आए हैं, अभी खड़ी चढ़ाई, ये थोड़ा टफ पार्ट था अभी जो हम कवर करके आए हैं। जो गौरीकुंड से हम चले थे तो वहाँ पे जो अल्टीट्यूड है, जो गौरीकुंड का अल्टीट्यूड है वो है 6,500 का सी लेवल से, और जो केदारनाथ जाना है वो है 11,775, यानी कि लगभग 5,000 से ऊपर ही हमने जो अल्टीट्यूड कवर करना है डिस्टेंस। ट्रैक लोग जा रहे हैं ये सामने, तो मैंने अभी एक शॉर्टकट लिया है ये सामने से, ये पत्थरों से होता हुआ, अब यहाँ निकलना है सामने। अभी जा रहे हैं और यहाँ निकल गए, कहाँ निकले, यहाँ पे निकले हम। तो गाइस हम छोटी लिंचोली ये एक ये प्लेस है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ बहुत सारे शेड लगे हुए हैं, खाना पीना सब कुछ है यहाँ पे। और ये पूरा रूट पे जाना हमने वो ऊपर तक, बहुत चढ़ाई अभी तो हो गया भाई, ज़्यादा थकावट तो नहीं हो रही लेकिन एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। बीच में घोड़े ये बग्गी ये सारे लोग आ रहे हैं, अरे घोड़ों ने तो पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है, बहुत ही भीड़ हो गई इस समय। अरे अभी 7 ही किलोमीटर बचा है, पीछे भी 7 लिखा था, अभी भी इतना चलने के बाद भी 7 किलोमीटर। तो श्री केदारनाथ मंदिर रह गया है 6 किलोमीटर, ये देखिए और ये बीच बीच में शॉर्टकट्स रास्ते हैं, अभी भी 6 किलोमीटर जाना है और हर हर महादेव करते जाना है। जय बम बम बोले। ये हमको फर्स्ट टाइम ढलान मिली है, कितनी ढलान है, नहीं तो अभी तक हमने बिल्कुल क्लाइम किया है, पूरा क्लाइम करते हुए आए हैं अभी तक, और ये थोड़ा सा पार्ट है जो नीचे डाउन पे है, और ये हेलीकॉप्टर आता हुआ ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। तो गाइस ये हेलीपैड देख रहे हैं, ये यहाँ से हम आए हैं अभी
शॉर्टकट करते हुए और ये इस रूट से आए, ये सामने सामने सामने। वैसे जो घोड़े आ रहे हैं ऐसे घूम के आ रहे हैं, ये सामने से घूम के आ रहे हैं, ये ऊपर ऊपर ऊपर, जबकि हमने एक शॉर्टकट मार के सीधा ऊपर आ गए हैं। और ये बड़ी लिंचोली है, ये सामने जो आप देख रहे हैं बड़ी लिंचोली में पहुँच गए हैं। अब लगभग 5-5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है मंदिर का, और उससे पहले जो कैंप है शायद उससे पहले 1-1.5 किलोमीटर पहले हमारा जो स्टे है आज डॉम है, वो सिंगल डॉमेट्रिक है, तो वहाँ पे स्टे है। तो GM VM का जो यहाँ पे स्टे का ऑप्शन है, और वहाँ ऑनलाइन आप बुक करा सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने आना है और यहाँ पे रूम केदारनाथ में रूम चाहिए और सिंगल डॉर्मेट्री चाहिए तो आप मेरे लिंक को क्लिक करके उसको बुक कर सकते हैं। मैं बता दूंगा, समझा दूंगा कैसे लिंक बुक करना है। वो चलते हैं, अब ये पीछे जाना है और ऊपर है। और ये भाई मेरे साथ चल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हर तिवारी। और ये यंगेस्ट राइडर है हमारे ग्रुप के, और इनके साथ है छोटू जी। हाँ, छोटू इनका पिलियन है, बहुत ही सही बाइक चला के आए हैं बुलेट। और अभी तक ट्रैक मेरे साथ हैं, अभी हमने 2-2.5 किलोमीटर और ट्रैक करना है और हम पहुंच जाएंगे बेस कैंप पे जहाँ हमारा आज का स्टे है। और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। चलते हैं, अब काफ़ी रेस्ट हो गया है। तो गाइस केदारनाथ यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये कैंप एरिया है 4 किलोमीटर पहले। आपको स्टे करना हो, छैनी कैंप है ये चारों तरफ कैंप ही कैंप है, ये देखिए चारों तरफ कैंप है। तो 4 किलोमीटर पहले अगर स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंप फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। काफ़ी शॉर्टकट मारे हैं हमने अभी तक। अभी ये सामने जाना ट्रैक है, ऐसे वो सामने आगे 4 किलोमीटर और है अभी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं घोड़ा पॉइंट पे। जब गोरीकुंड से चलते हैं तो यहाँ पे आके घोड़ा ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे उतार देते हैं और यहाँ से बन के चलता है नीचे गोरीकुंड के लिए। ये सारा पूरा चारों तरफ घोड़े ही घोड़े हैं, और पूरा आगे देखिए व्यू, देखिए यार कितना शानदार व्यू है, गजब। बर्फ़ के पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं, ऊंची ऊंची चोटियां नज़र आ रही हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, शानदार। चलते हैं अब सीधा कैंप में चलेंगे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं GM VM कैंप, और ये मंदिर नज़र आ रहा है यहाँ से, दिखा देता हूँ, ये आपको मंदिर दिख रहा होगा। तो ये मंदिर है, जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मंदिर आ गया है, और ये कैंप है GM VM। और मनोज भाई पहले पहुंच गए भाई, और ये हम यहाँ से आए हैं। तो चलते हैं कैंप में, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। खाने पीने का भी है, सर डिनर है सर, नहीं है, चलो बाहर खाते हैं फिर, चलो निकलते हैं। कैंप हमारा किधर? डॉर्मेट्री थी, डॉर्मेट्री है, पिक्चर में तो अलग थी। तो ये सारे GM VM के कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे ये ऑनलाइन बुक होते हैं, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके आप बात सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चले तो मैं
आपको मैसेज कर दें, मैं पूरा उसको डिटेल में बता दूंगा जैसे मैंने बुकिंग करी है। तो गाइस धुएं निकल रहे हैं तो लगभग 6 बज चुके हैं और हमने लगभग 2-2.5 घंटे रेस्ट किया और टेंट में अपना जगह बुक कर ली है और अब जा रहे हैं सीधा दर्शन के लिए केदारनाथ मंदिर के। और ये मेरे सामने देखिए व्यू, देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, देखिए बहुत ही शानदार व्यू है। और सुरेंद्र भाई हमारे ठंड और ट्रैक एक नंबर है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं केदारनाथ मंदिर पे और समय 7 बज गए हैं। आप भी दर्शन कीजिए और भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए ताकि आपके सारे जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, बम बम भोले, सबके दुख दर्द दूर करें। तो गाइस समय 8 बज गया है और हमारे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। जय केदारनाथ बाबा की। और ये मैं दिखा दूँ, मैं अभी खड़ा हूँ भीमशिला पे, ये सामने आप देख रहे हैं ये भीमशिला और ये सामने केदार मंदिर। इस भीमशिला की वजह से ही आज हमारा ये मंदिर बिल्कुल सलामत है, क्योंकि जब पल्ले आई थी 2013 में तो इस भीमशिला ने ये मंदिर की रक्षा करी थी बहुत ही, जिसकी वजह से ये मंदिर आज बहुत ही सही हालत में है, बढ़िया हालत में है। ये पीछे सारी भीड़ लगी हुई है बहुत। बस आपका नेक्स्ट प्रोग्राम यही है कि अभी कुछ डिनर करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत पीनट्स वगैरह खाया है, बस वो खाएंगे पिएंगे, अभी सोएंगे फिर और उसके बाद सुबह नीचे के लिए रिमांडगी करेंगे। कमर में पेन हो रहा है अभी, दवाई दवाई लेके फिर सोऊंगा। तो आपको कैसे लगे केदारनाथ जी के दर्शन, ये कमेंट करना, जय केदारनाथ जरूर लिखना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद सायोनारा।